भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और जैसे ही पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली और एक दिन पार्वती ने भगवान शिव जी को अकेला बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा देख करके प्रसन्न हो गई। आपके यहां जब नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई की कोई रस्म होती है क्या? बोलो ना, तुम्हारा सिर हिलाना बंद नहीं हुआ है? आज सातवां दिन चल रहा है, सात दिन में तो राजा परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त कर ली थी भागवत सुनकर, और तुमने अभी तक सिर हिलाना या हाथ हिलाना बंद नहीं की। बोला कब? और दो तीन दिन का ही मौका है बोलने का, वरना तुम्हारी जबान बंद करने वाले तो मिलेंगे, बुलाने वाले नहीं मिलेंगे, हाँ बहकाने वाले भी मिलेंगे। पार्वती भगवान शिव के पास गई और जैसे ही भगवान शिव से कहा कि तुम्हारे यहां मुंह दिखाई की रस्म नहीं, के भोलेनाथ बोले है तो देवी, लेकिन मेरे जितने रिश्तेदार को अगर मैंने मुंह दिखाई के लिए बुला लिया तो तेरा मुंह तो वो बाद में देखेंगे, पहले तू मुंह देख के भाग जाएगी, क्योंकि शिव जी के रिश्तेदार कौन है? भूत प्रेत पिशाच है, डाकनी साकनी। शिव जी बोले चलो कोई नहीं है तेरे यहां, ना सास है ना ससुर है ना देवर है ना जेठ है ना जिठानी ना दौरानी है, मैं ही तेरी मुंह दिखाई की रस्म अदा कर देता हूं। सच बताना, जोर से बताना, अगर आपके यहां मध्य प्रदेश में नई आई हुई बहू की मुंह दिखाई होती है तो सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म कौन शुरू करता है? सास। बोलो ना, सास। शर्माने की क्या बात है, कोई मैं कोई अलग बात बोल रहा हूं कि रीति रिवाज ही तो पूछ रहा हूं। मैं पहली बार तुम्हारे नगर में आया है, मैं तो तुम्हें इतनी बढ़िया बढ़िया नई नई बात सुना रहा हूं और तुम मुझे नई बात एक भी नहीं सुना पाओगे क्या? तो सबसे पहले मुंह दिखाई कौन प्रारंभ करता है? आखिर में बता दो, मुंह दिखाई की पूर्ण आहुति कौन करता है? आखिरी मुंह दिखाई कौन करता है? मुझे पता है आप नहीं बताओगे, शर्म आती है। पति जब मुंह दिखाई करता है तब जाकर के मुंह दिखाई की रस्म की पूर्ण आहुति होती है, और पति के द्वारा मुंह दिखाई के समय में दी गई भेंट सुहाग की सबसे बड़ी आशीर्वाद की निशानी होती है ना। पार्वती का मुंह दिखाई होने लगा, शिव जी ने पूछा देवी मेरे पास कुछ धन तो है नहीं, सोना चांदी भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है। कहते कि मुंह दिखाई खाली हाथ नहीं होती है, तीन चीजें जिंदगी में खाली हाथ मत करना, किसी संत के पास जाओ, व्यास गद्दी पर जाओ, कमरे में जाओ, आश्रम में जाओ तो दर्शन करने कभी जाओ, मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, अपनी बेटी के ससुराल में कभी जाओ, चाहे भाई जाए या भाभी, माता जाए या पिता, अपनी बेटी के ससुराल में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कभी भी किसी की मुंह दिखाई करने जाओ, शादी में रिसेप्शन में जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। भगवान शिव ने कहा मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? पार्वती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपके चरणों का दरबार चाहिए, सदैव आप अपने चरणों की दासी बना लेना प्रभु, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि
जानहु मोहि चरण निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि। मुझे श्री राम की कथा सुना दो प्रभु, क्योंकि मैंने सुना है कि जो सत्संग सुनता रहता है उस पर श्री राम की कृपा होती है, और जिस पर श्री राम की कृपा होती है उस पर सब के सब देवी देवता, नवग्रह, पितृ, विद्वान, तीर्थ, ऋषि, संत, राम की कृपा से सबकी कृपा हो जाती है। जय हो।